सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एड ऐप टूडे आई हैव नाबार्ड ग्रेडेड 2023 नोटिफिकेशन विद मी एंड इन दिस नोटिफिकेशन अंडर द इम्पॉर्टेंट डेट्स आपने भी ऑब्जर्व किया होगा नाबार्ड हैव मेंशन फर्स्ट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि अब जा चुकी है आफ्टर दैट दे हैव मेंशन द प्रिलिम्स की डेट फेज वन की आपकी डेट नाबार्ड ने मैंशन की है दैट इज योर सिक्सटीन अक्टूबर ट्वेंटी बट इसके बाद दे हैव एडेड अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड दैट इज टेंटेटिवली राइट टू चेंज दीज डेट अब क्योंकि मैम so, क्या नाबार्ड का एग्जामिनेशन फेज वन के लिए पोस्टपोन हो सकता है वट आर दांसेस की फेज वन का डेट चेंज हो जाए बिकॉज यहां पर फेज टू की डेट भी नहीं आई है एंड दिस वर्ड टेंटेटिवली देखो ऐसा नहीं है कि पास में कभी नहीं नाबार्ड ने डेट चेंज किया नाबार्ड ने डेट चेंज की है फेज वन की भी फेज टू की भी बट यहाँ पे यू विल है डेट चेंज हो रखी है दीज आर डन अंडरस कोई बड़ी चीज हो गई है जिसकी वजह से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता उस रीजन से डेट चेंज होती है इफ आई टॉक अबाउट ईयर ट्वेंटी

इंटरेस्टिंगली आई नो कि क्यों आपको इतनी चिंता हो रही है कि भाई क्यों विश कर रहे हैं कि डेट uh, पोस्टपोन हो जाए सो आई विल रिजॉल्व दैट रादर आप इस डेट से डरना बंद कर दो आपकी चिंता क्या है कि या तो तैयारी कंप्लीट नहीं हो रखी है या रिवीजन नहीं हो रखा है या मॉक में नंबर नहीं आ रखे राइट सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड टेल यू कि आप अभी इस टाइम पे आके क्या कर सकते हो सो फर्स्ट आपको देखो दो ही चीजें करनी है अभी के टाइम पे आके यू विल विल हैव टू डू रिवीजन एंड यू हैव टू गिव मॉक्स बस ये दो चीजें आपने करनी है वट इफ कि आपका सिलेबस नहीं हो रखा लेट से आपने ESI अभी तक नहीं देख आपने कंप्यूटर अभी तक नहीं देख रखा है इन दैट केस यू कैन डू तो मैं इसमें यह कहूंगी कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो जस्ट टू स्टडी बट मेजरली आप यहां पे रिवाइज ही करोगे ये रिवीजन आप क्विक रिवीजन बैच हमारा ले रखा है उससे भी कर सकते हो ये रिवीजन आपके पास स्टडी मटेरियल पड़ा है आप उससे भी कर सकते हो या ये रिवीजन आप कोई और कोर्स आपने ले रखा है कोई आपने फर्दर नोट्स बना रखे थे उससे भी कर सकते हो अब इसी रिवीजन को आपने फर्स्ट रीडिंग में बदल देना है इफ द कंपोनेंट इज न्यू टू यू या फिर आपने अभी तक नहीं पढ़ा जो कि मैं मेजर केसेस में देख सकती हूं कि कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी है राइट right. तो इस केस में आपने रिवीजन की बजाय इसको इसी की पढ़ाई को रिविजन कंसिडर करना है द सेकेंड थिंग दैट यू विल है देखो नो मैटर इफ यू आर एबल टू टिल नाउ आपने हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर किया है कि नहीं किया है बट वंस यू हैव यू नो डन पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स ऑल द एट सब्जेक्ट्स यू हैव अगर आपने ऑल एट सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी है या फिर कुछ पार्ट देख लिया है इन दैट केस दीज मॉक्स विल बी वेरी हेल्पफुल लेट्स से अभी भी आपने सम सब्जेक्ट्स ऐसे हैं दैट यू हैव नॉट चेक डेट ऑल लाइक अगेन कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग यू हैव नॉट चेक एंड यू डोंट नो नाउ टू गिव मॉक और टू गिव रिविजन आई विल से डू बोथ हाउ इट विल हेल्प यू देखो वेन यू गिव द मॉक इट विल गिव यू आइडिया विच पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन में विच पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट

बट यहां पे आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है फॉर द नॉन मेरिट सेक्शन राइट सो दिस वन पॉइंट यू नीड टू नोट डाउन देन द थिंग दैट आई हैव टू टेल यू इज अब टाइम डिविजन कैसे करें दैट इज ऑल्सो बिग पार्ट सो देखो जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज योर एंड करंट अफेयर क्यों देखो आउट ऑफ द हंड्रेड के मेरिट मार्क्स ऑलमोस्ट थर्टी टू थर्टी फाइव मार्क्स की आपकी ए आर डी होती है एंड उसके बाद आपके ऑलमोस्ट सिक्सटी टू 65 फाइव मार्क्स की करंट uh, अफेयर होती है इफ यू आर एबल टू डू दैट आप इजीली अपना uh, जो आपका मेरिट सेक्शन है उसको क्लियर कर सकते हो एंड यूल बी एबल टू क्लियर द फेज वन उसके लिए ए में आपको मेन फोकस करना है फॉर दिस सब्जेक्ट बीड फॉर कवरेज बीड फॉर रिवीजन इन सब्जेक्ट्स में मैंने

Schemes, इसके बाद ए आर डी रिपोर्ट की तो थ्री आर्स एंड यू टू बी वेरी सिलेक्टिव नाउ एंड एआरडी करंट अफेयर में अगेन आपको थ्री मंथ करने है एंड आपको लगने चाहिए टू आर्स टोटल करंट अफेयर विल टेक यू टू रिवाइज नॉट कवर वैन डू आई वुगजीन नहीं है इफ यू डोट हैड एंड गिव मोर मॉर्क फॉर नाबार्ड ग्रेडेड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आपके मेजर पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएंगे राइट नाउ कमिंग टू द नॉन मेरिट सेक्शन मेरिट सेक्शन में देखो कभी भी नॉन मेरिट सेक्शन के लिए बेसिक्स में आप मत जाओ अगर आपका कोई लेट्स एक ही सब्जेक्ट बहुत वीक है लेट से वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनिंग यू आर गुड विद ऑल फोर सब्जेक्ट बट रीजनिंग इज द प्रॉब्लम राइट इन दैट केस रीजनिंग में यू कैन टेक अप मोर फाइव आर मोर यू कैन टेक टू कवर सर्टेन टॉपिक्स बट कोशिश करो कि ट्वेंटी वन आवर्स का मार्क यू कैन कीप बढ़ जाता है टेन आवर्स भी थर्टी वन भी सो दैट विल बी नो इश्यू बट आपने अब इसमें करना क्या है देखो फॉर नॉन मेरिट सेक्शन स्पेशली आपको देने सेक्शनल टेस्ट टेस्ट दैट सेक्शन वाइज आपके पास होनी चाहिए अगर आपके इंग्लिश थर्टी मार्क्स के है तो यू विल हैव टू सी कि यू आर गेटिंग क्वेश्चन जस्ट फॉर इंग्लिश और आप उसको प्रैक्टिस करो कोई जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में जाके यू आर रीडिंग द ग्रामर आपको उसी से अंडरस्टैंडिंग लेनी है अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिको एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ द क्वेश्चन देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए मिनिमम यू शुड ट्राई टू गिव फाइव मॉक टेस्ट मिनिमम तो थ्री है वैसे बट फाइव आई वुड से कि ट्राई करो ईच मॉक टेस्ट विल टेक यू टू आर तो अराउंड टेन आवर्स में आपके लगने चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट अब इसी मॉक टेस्ट का एनालाइज करने के लिए या सेक्शनल टेस्ट का एनालाइज करने के लिए अगेन आई वुड से किसी ऐसे एग्जाम को या फिर किसी ऐसे टेस्ट को प्रेफर करना वेयर एनालिसिस इज डन फॉर यू कि आपने कहां पे मार्क्स कम लाए हो कहा पे ज्यादा लाए हो कहाँ पे यू आर नॉट एबल टू स्कोर वेल विच टाइप ऑफ चैप्टर यू आर नॉट एबल टू स्कोर वेल आपको वो सब एनालिसिस मिल जाए खुद से बट अगर नहीं है आप ऑफलाइन सीरीज देख रहे हो या ऑफलाइन पेपर दे रहे हो या नहीं मिल रहा आपको एनालिसिस इन दैट केस यू शुड टेक कि आपने खुद अपने आप को एनालाइज करके उन पॉइंट को नोट डाउन करना है अब इस एनालिसिस के बाद रेक्टिफिकेशन भी करना है तो फाइव आर अलग से देखो ये जो हो रहा है वो अलग है सही सोल्यूशन देखोगे उसके बाद उसको एक बार अटेम्प्ट करके देखोगे राइट सो दिस हेल्प से आपको डर नहीं लगेगा यू विल नॉट बी क्वेश्चनिंग क्या मेरा एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं अदरवाइज अगर पोस्टपोन हो जाता है तो ऑफकोर्स यू विल गेट मोर टाइम अगर नहीं होता है इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो बट अगेन इफ यू आर लुकिंग फॉर द कोर्स दैट कैन हेल्प यू इमेंसली टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन सो वी हैव दीज टू कोर्स द लाइव क्रैश कोर्स कवरेज़ ऑफ योर फेज वन एंड फेज टू ऑफ द एक्सामिनेशन यू विल गेट डेली लाइव क्लासेज इन द क्रैश कोर्स शॉर्ट नोट्स माइंड मैप करंट अफेयर एंड द टेस्ट सीरीज जो क्लासेस हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग विव कमिंग टू योर टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज मेंफकोर्स यू विल गेट द चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज सो दैट यू नो कि आपके किस चैप्टर में कितनी स्ट्रेंथ है एंड विथ चैप्टर यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म विथ देन ऑफकोर्स यू विल गेट द सेक्शनल टेस्ट फॉर ईच सेक्शन ऑफ योर नॉन मेरिट देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यू विल गेट फॉर फेज टू करंट अफेयर का टेस्ट यू विल गेट एंड द फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू विल गेट फॉर बोथ फेज वन एंड फेज टू आई वुड से कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे अभी थोड़ा सा वेट करना बाकी टेस्टों को यू अटेम्प्ट एट इट्स फुलेस्ट राइट इसके अलावा इफ यू आंफ्यूज एनी थिंग अबाउट ना यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन सो फॉर दैट यू कैन गो हैड एंड डाउनलोड दिस पी दिस This guidebook. In this guidebook, we have covered all the queries that you have, be it regarding the exam, be it regarding your Navard post, or you just want solved PYQs, you want to, you know, uh, have the sources very clear with you. So for that, you can go ahead and download this guidebook. This is absolutely free, and you don't need to create any fuss. Just go in the description box, check out the link, you will find this guidebook. So that will be it for the video. Thank you so much. If you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, and if you want the PDF of the content. Session that we are having. For that, you can also join our Telegram channel. So, thank you so much and prepare well for your examination. If you get any query, feel free to ask in the comment section.